हाय, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ मिल्क इन एक्ने. मतलब अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है, सो शुड यू बी कंज्यूमिंग मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि मिल्क कब बनता है. लाइक हाउ इन ह्यूमंस मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. सो सिमिलरली काउज एंड बफेलोज में भी चाइल्ड बर्थ के ही बाद मिल्क प्रोड्यूस होता है. सो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी हाई इन हॉर्मोन्स लाइक ग्रोथ हॉर्मोन, प्लेजेंटा डिराइव्ड, प्रोजेस्ट्रोन एक्सेट्रा. सो फिर क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स देर इज अनदर थिंग इन द बॉडी कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. एंड दीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ये जो होते हैं, दीज आर वेरी पोटेंट हॉर्मोन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने. सो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली जाके आपकी स्किन पे आपके ऑयल सिक्रीशन को बढ़ाएगा. इट ऑल्सो कॉज पिम्पल्स एंड इट ऑल्सो कॉज स्कारिंग. ओके, सो डेफिनेटली मिल्क हैज गॉट लॉट ऑफ hormones which can cause increase in insulin like growth factors and therefore increase in pimples. Second thing, so I also have lot of patients jo ki aake mujhe bolte hain ki doctor hum skimmed milk lete hain, so is that better? On the contrary, skim milk is worse than whole milk. Dekha gaya hai ki skim milk ke manufacturing process mein kya hota hai, ये जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब इनका एक्शन और एनहांस हो जाता है सारे हॉर्मोन्स का. एंड सेकेंड, जब हम स्किम मिल्क बनाते हैं, सो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कंपनीज एड वे प्रोटीन टू इट सो दैट उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे. एंड वे प्रोटीन बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि वे प्रोटीन पर से आपके पिंपल्स इंक्रीज करता है. सो स्किम मिल्क विल डेफिनेटली हैव मोर हॉर्मोन्स एंड प्लस उसमें वे प्रोटीन भी होगा. सो डेफिनेटली इट्स नॉट बेटर देन होल मिल्क. सो द फाइनल वर्डिक्ट इज, इफ यू हैव पिंपल प्रोन स्किन, इफ यू हैव एक्ने, ideally you should not be consuming dairy products and definitely not skim milk. So we'll be adding more on what is the role of diet in acne. I hope you understood and liked this video, and I hope that you guys follow these tips.